जय श्री राम दोस्तों। तो कैसन छिको सब, हमरा उम्मीद से सब ठीके ठाक हो। ये छुआ हमर पहला मिनी ब्लॉग है और हम जो अभी आ गए हैं छत पे थोड़ा धूप सेकने के लिए, क्योंकि बुखार जार से था, हाल खराब। सर्दी बुखार वाला तो इसमें धूप अच्छा लगता है, जो कि हमरो अच्छा लगा। ये जो घर देख रहे हैं, भर रात में खटखट खटखट करते करते तैयार कर लिया, लेकिन हमरा सोने नहीं दिया, हमको सोने नहीं दिया, लेकिन अपन घर पूरा ढलैया फलैया सब चीज़ कर लिया है। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इतना बिल्डिंग तो हम पहली बार देखे हैं जिंदगी में, इतना सारा, वो भी एक लाइन से। ये कपड़ा देख के तो हमार होशे उड़ गया था। हम अपन घर पर एक महीना कपड़ा एक साथ भी रख लें, फिर भी इतना नहीं होगा, उतना यहाँ पे सूख रहा है। फिर छत से नीचे देखे हैं, सोचे यहाँ से कूदेंगे बचेंगे कि नहीं, और फाइनली जिस धूप का इंतज़ार कर रहे थे वो धूप तो इसमें अच्छा से खिल के उगा है, और अपना टकला सेक रहे हैं, और टकला सेकते सेकते अब तो इसमें जाते हैं नीचे। ऊपर से नीचे उतरते वक्त देखे सीढ़ियों में टाइल्स लगल है, हमार घर तो एको कोना में टाइल्स नहीं लगल है। फिर अंदर गए तो देखे खाना अभी तक बने रहा है, तो इसमें रुके वहाँ, फिर वो लोग खाना बनाकर खा लिए, क्योंकि उन लोग को ड्यूटी जाना था। और इस तरह फिर हम आ गए छत पे क्रिकेट देखने के लिए, क्योंकि रूम में रहते रहते बोर मन था हमरो खेलने के, लेकिन तबीयत खराब था, लेकिन खेलने देता कि नहीं देता पता नहीं। फिर मेडिकल गए दवाई लेने के लिए, क्योंकि हालत बड़ी ख़राब था, और मेडिकल वाले ने हमको 300 का दवाई दे दिया, जो कि गाँव में रहते तो 36 रुपया में ठीक हो जाते हैं। फिर दिखा दिया एगो नाला, सोचे अगर 300 की दवाई से अगर ठीक नहीं हुए तो यही नाला में डुबा के ओकरा मारेंगे मेडिकल वाला। और इस तरह हम आ गए अपने 4th फ्लोर रूम में। छत पे से देखे तो नीचे नाच गाना हो रहा था, बाद में पता चला ये तो फेस्टिवल था कोई, इसीलिए। फिर अपन जख्म को निहारने लगे बड़ी देर तक, क्योंकि दर्द कर रहा था। और सोचे आपको भी दिखा दे, क्योंकि उसी बहाने तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बाय।